एबीपीएस न्यूज। अदालत में पेश नहीं हुए सांसद आजम और अभिनेत्री जयप्रदा, दोनों ने बताई वजह, सुनवाई टली। बिकरू कांड, विकास दुबे की पत्नी ऋचा की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत खारिज। निकिता हत्याकांड में नया मोड़, मुख्य आरोपी तौसीफ की नई चाल। इस पैतरे से पुलिस भी है हैरान। किसान आंदोलन, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने गोल्डन टेम्पल में की पूजा। कुंडली बॉर्डर पर धरना देगा जत्था। सिंधु बॉर्डर पर तैनात दिल्ली पुलिस के 2 IPS अफसर कोरोना पॉजिटिव। किसानों ने किया साफ, बीच के रास्ते से नहीं बनेगी बात। टिकैत ने कहा सरकार को नहीं चिंता। यमुना एक्सप्रेसवे हादसा, टायर फटने से 2 कारों की टक्कर, दंपति सहित 3 की मौत, 8 घायल। मैनपुरी पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, गाड़ी का शीशा तोड़ा, सिपाहियों ने भागकर बचाई जान। थाने में दरोगा की टोपी लगाकर कुर्सी पर बैठा गोकशी का आरोपी, तस्वीर वायरल होने पर जांच के आदेश। रोड एक्सीडेंट, मुरादाबाद में 2 अलग अलग हादसे, दंपति समेत 4 की मौत। मुरादाबाद, दुल्हन के दरवाजे पर दुल्हे को मारी गोली। मुरादाबाद की इस घटना से उड़ गए पुलिस के होश। मुरादाबाद कोरोना वायरस न्यूज। जिले में मिले 5 कोरोना संक्रमित, 1400 लोगों के लिए गए नमूने। सिख समुदाय को मजबूत करने के लिए मुरादाबाद आए ये गुरु तेग बहादुर। इस ऐतिहासिक स्थल से जुड़ी है कई यादें। मुरादाबाद के शकील हत्याकांड में 1 आरोपी गिरफ्तार, रुपये के लेन देन में मारी गई थी गोली। मोबाइल पर मुरादाबाद के सिपाही को जान से मारने की धमकी, मुकदमा। सहजवान तहसील के ग्राम रसूलपुर बेला में राशन की दुकान के प्रस्ताव को लेकर तहसील स्टॉप व पुलिस की मौजूदगी में चुनाव हुआ। लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले CBI ने दाखिल किया पूरक शपथ पत्र। जितेंद्र सिंह ने NCPDP और कांग्रेस को घेरा, कहा स्वायत्तता के नाम पर लोगों को बना रहे बेवकूफ। बंगाल की सियासी लड़ाई में शोले का डायलॉग, BJP नेता बोले एक मारोगे तो 4 मारेंगे। किसानों के रोड ब्लॉक के ऐलान में बाद एक्शन में पुलिस, दिल्ली जयपुर हाईवे पर तैनात होंगे 2000 जवान। देश में कोरोना के 30,000 से कम नए केस, लेकिन थम नहीं रहा मौतों का सिलसिला, 24 घंटे में 414 की गई जान। ग्रेटर नोएडा, आत्महत्या के इरादे से नहर में कूदी महिला, कांस्टेबल ने जान पर खेल कर बचाया। MP भोपाल में नकली सीमेंट फैक्ट्री का भांडाफोड़, 2 गोदामों पर क्राइम ब्रांच का छापा, बच्चों की पिटाई करना हुआ गैर कानूनी। मैक्सिको देश की सांसद ने दी कानून को मंजूरी। अमेरिका के सलाहकार पैनल ने फाइजर बायोएनटेक के वैक्सीन को आपात मंजूरी देने की अनुशंसा की।